का चौधरी ने केन्यू से बातचीत में कहा कि आज की बैठक में पार्टी ने जो एजेंडा दिया है उस पर वो काम करेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर से लेकर राशन की दुकानों तक का सर्वे दिया गया है। दिल्ली के महाराजगंज के लिए बाय रोड यात्रा करनी होगी और तमाम लोगों से जगह जगह मिलना भी होगा। और क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी हमारे साथ है। सर, आज की बैठक एक बड़ा एजेंडा खासतौर पर आपको लेके। कोई बड़ा एजेंडा नहीं था, एक तरीके से कह लीजिए कि गेट टू गेट बेहतर था और पार्टी और सांसद के बीच में जो संवाद होना चाहिए वो हुआ है। एक मंत्री सर, लेकिन तीन लोकसभा क्षेत्र और आपका जो क्षेत्र पड़ता है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी दी गई, खुद जिक्र किया गया बैठक में। चूंकि हमारा क्षेत्र लंबे दूरी पे पड़ता है, दिल्ली से मैं बाई रोड निकलूंगा तो निश्चित तौर से ज्यादा लोकसभा क्षेत्र मेरे रास्ते में पड़ेगा और जो रास्ते में पड़ेगा तो वहाँ भी जनता से आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर मिलेगा। सर, एक तरफ जातिगत राजनीति, ब्राह्मणों को लेकर लोग आंदोलन चला रहे हैं, दूसरी तरफ किसान, कैसे हैंडल करेगी बीजेपी, क्या इसे लेके भी कोई? निश्चित तौर से हम जनता के बीच में जाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और जो हमारी बात है उनको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हमारी भारत सरकार की उपलब्धि है, हमारी प्रदेश सरकार की उपलब्धि है, जो हमने समाज के लिए किया है उसको कहीं ना कहीं बातचीत करके। सर, आखिरी क्वेश्चन, कोरोना को लेकर अगर बात करें तो वैक्सीनेशन सेंटर पे भी जाने की बात कही गई, प्रधानमंत्री 5 अगस्त को राशन की दुकान वालों से बात करने वाले हैं, इसे लेके भी क्या कुछ? पार्टी का सोच है कि सरकार की जो योजना चल रही है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी लगाई गई है कि जहां जहां वैक्सीनेशन हो रहा है, जहां जहां राशन बट रहा है, वहां पर आप जाके देखें कि ठीक ढंग से लोगों को प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो ये थे पंकज चौधरी जो साफ तौर पर कह रहे थे कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। हालांकि जहां से वो आते हैं, महाराजगंज की बात करें, बड़ा क्षेत्र है, बाय रोड जाना है, तमाम जगह कवर करनी है, लोगों से मिलना है, खासतौर पर चाहे राशन की बात करें, वैक्सीन की बात करें, और इस एजेंडे को करने के लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, जातिगत राजनीति नहीं करती। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज दिल्ली। और यहां